नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, माता वैष्णो देवी जाने का खर्चा, वहां रुकें तो कहाँ रुकें और उसमें कितना खर्चा आएगा, और एक पर्सन अगर वैष्णो देवी घूमने जा रहा है तो उसमें उसे टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। तो आइए शुरू करते हैं बोल के जय माता की। दोस्तों जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली से शुरू की थी, तो मैं आपको सभी चीज एक्सपेंसेस दिल्ली से ही बताऊंगा कि दिल्ली से जब हम चलते हैं तो दिल्ली से जो है ट्रेन चलती हैं जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको मिल जाएंगी, जिनका किराया जो होता है स्लीपर क्लास का वो होता है तकरीबन 365 रुपए से 400 रुपए के बीच में, यानी कोई कभी 370 रुपए भी हो सकता है, 395 में। अलग अलग ट्रेन का अलग अलग हिसाब है। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट बसेस से जाते हैं तो प्राइवेट बस का जो चार्ज है वो प्राइवेट बस का चार्ज है तकरीबन नॉर्मल सीट के लिए 700 से 800 रुपए, और स्लीपर से अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 1000 से 1200 रुपए। वो मौसम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सीजन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको बुकिंग्स मिल जाती हैं। जैसे कि मैं वैष्णो देवी गया था तो उस वक्त पे अगस्त था, और अगस्त में क्या रहता है वहां पर ज्यादा थोड़ा सा मानसून का सीजन होता है तो लोग थोड़े से कम आते हैं। माता रानी का बुलावा आया तो मैं अगस्त में ही चला गया था, तो मैं अचानक मेरा प्रोग्राम बना तो मैंने रेड बस से बस बुक करी और तकरीबन 700 रुपए में मुझे बस की सीट मिल गई थी। और आते वक्त मैंने स्लीपर से आया था जिसका किराया था तकरीबन 900 रुपए, वो भी मुझे इजीली अवेलेबल हो गया था। स्टे करने के लिए आप वहां पे चाहें तो नॉर्मल वहां पर इजीली अवेलेबल है रूम, आप ले सकते हैं जो कि 700 से 800 रुपए अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, और अगर आप अकेले जाते हैं तो yatradham.org से आप बुक कर सकते हैं अपना डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्री का जो किराया रहता है तकरीबन वो 100 रुपए प्रति पर्सन रहता है, मतलब एक आदमी का 100 रुपए रहता है वो एक दिन के लिए। तो आप अगर अकेले जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और कम में पैसे में वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डॉम्स लें, डॉर्मेट्रीज आपको इजिली मिल जाएगी, yatradham.org से आप पहले बुक कर लें। तो एक दिन का जो रूम का खर्चा पड़ेगा वो 500 रुपये पड़ेगा, और अगर आप 2 दिन रहते हो तो दो दो दिन में आप लगा लीजिए 500, यानी 1000 रुपये आपको प्रतिदिन रहेगा। खाने की मैं बात करूं तो खाने का खर्चा जो रहेगा वो तकरीबन तकरीबन 200 रुपये प्रतिदिन रहेगा, क्योंकि खाना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं ठीक खाना खा रहे हैं तो 200 रुपये में हो जाएगा इजिली, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट ज़्यादा है तो आप हाई फाई में, मतलब जितना आप चाहें, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती हो उतना आप जा करके खर्च कर सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा जो है तकरीबन 16 किलोमीटर की यात्रा है पैदल, जो आप पिट्ठू से भी कर सकते हैं, वहां पर पिट्ठू पालकी वृद्ध लोगों के लिए और खच्चर घोड़ा वगैरह ये सब चीज मिल जाती है इसलिए। लेकिन अगर आप फिट हैं और तंदुरुस्त हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप माता रानी की पैदल यात्रा करें जैसा कि पुराने समय पर लोग किया करते थे। तो अगर मैं पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट करूं तो माता वैष्णो देवी की यात्रा की जो कीमत है, आना जाना आप लगाएं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो तकरीबन 400 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ, तो 400 रुपये जाना, 400 रुपये आना, 800 रुपये रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस से आप पहुंच सकते हैं अंदर कटरा तक। कटरा में आप स्टे करते हैं 2 दिन के लिए तो 500, 1000 रुपये, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 800 और 1000, 1800 रुपये। इसके बाद मैं प्रतिदिन का खाने का मान लेता हूँ 200 से 300 रुपये, तो 600 रुपये ये मान लीजिए। तो तकरीबन 2400 रुपये में आप आराम से इजिली माता वैष्णो देवी में दर्शन करके घूम फिर करके आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप वहां पे शॉपिंग करते हैं या कुछ रहता है तो वो आपका अपना अलग रहेगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।